आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक पर्सनल घटना बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, तो वो जब कहीं भी कोई सामान खरीदते हैं किसी भी शॉप में, तो एक छोटे कस्बे में जब जाते हैं तो जो दुकानदार होता है उसको पैसे भी देते हैं और एहसान भी मानते हैं कि बड़ा अच्छा सामान दिया, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया है। और सही बात यह है कि वो उनको चूतिया बनाता है और ठीक ठाक पैसे कमाता है, और ये है तो एहसान मानते हैं कि ओहो मुझे तो इसने सामान दे दिया है ना। ऐसी ही पॉलिसी एक यूट्यूब में चल रही है। एक कोई सज्जन है जो 10 दिन में MBA कर रहे हैं। अब दुखद बात ये है कि भारत के टॉप मैनेजमेंट स्कूल और जो बिजनेस स्कूल है इसको 2 वर्ष से कम नहीं कर पा रहे, पर एक बंदे ने इतनी हिम्मत दिखाई कि इसको 10 दिन में ले आके खड़ा कर दिया। अब मैं उस वीडियो के कमेंट पढ़ रहा था तो बहुत सारे जो सज्जन टाइप आदमी है तो बोल रहे थे कि सर बहुत अच्छा वीडियो, वेरी यूजफुल कंटेंट, प्लीज़ इसको डिलीट मत करना, इसको कंटिन्यू रखा, हम बहुत सीख रहे हैं। भाई ऐसे जितने भी वीडियो हैं तो उस MBA से करोगे क्या, मुझे तो एक बात ये बता दो पहले। भाई जॉब करोगे कि बिजनेस करोगे? बिजनेस करने के लिए तो पहले पैसा चाहिए होता है, और जॉब करोगे तो 2-4 कस्टमर केयर में कंपनी के कस्टमर केयर फ्री होते हैं, फ़ोन करके पूछ लो कि सर मैं यूट्यूब से 10 दिन का MBA कर रहा हूँ, मुझे कितने लाख की नौकरी देने वाले हो। वो 5 रुपये की नौकरी प्रॉमिस कर दे, वो गलियाए नहीं उसका कस्टमर केयर, तो उसका शुक्र मनाना। तो देखो ऐसे वीडियोज से, ऐसे कोर्सेज से और ऐसे MBA से आपको कहीं 2 रुपये की नौकरी तो मिलने वाली नहीं, बात नंबर एक। दूसरा, बिजनेस करोगे तो बिजनेस का क्या है यार, कि वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आपका खुद का धंधा, कितने कस्टमर आते हैं, कैसे आप डील करते हो और कैसे वो कस्टमर रिपीट होते हैं, इसमें डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, बिहेवियर को सीखो, ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई के 2 घंटे, 4 घंटे या 10 घंटे के वीडियो सीखने से आपको कोई ठीक ठाक बिजनेस नहीं बनेगा। ये सब मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं। इनको आप इस प्रकार से देख सकते हो कि ये भाई इन्फोटेनमेंट है। अब इन्फोटेनमेंट का मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कहीं भी बुक में, आप 200-400 की बुक में सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं, ना किसी को बिना मतलब में भगवान, मोटिवेटर, गुरु ये वो बना के। तो इन्फोटेनमेंट के रूप में देखिए, और इतना ज़्यादा मुग्ध मत हो जाइए कि आप गुरु हैं, आप तो बिजनेस को सिखाते हैं, बनाते हैं। अब जो ये सब करते हैं उनके खुद के बिजनेस में अब कितनी प्रॉब्लम है आप देख रहे हैं, और किस प्रकार के एलिगेशन लग रहे हैं आप भी देख रहे हैं। तो भाई इनसे बचो, जागरूक रहो, और घर वालों के जो हार्ड मेहनत की कमाई है उसको पानी में मत बहाओ। ये मत बोलो कि सर मैंने तो कोर्स खरीद लिया, अब तो मैं गधा बन गया, अब वो पैसे नहीं लौटा रहे। भाई आप गधे तो थे ही भाई, 50,000 रुपये के दे के 10 लाख रुपये कहाँ मिलते हैं कमाने से? ऐसे पॉलिसी गवर्नमेंट ना ला दे, मोदी जी ना ला दे। तो भाई जागरूक रहिए, समझदार रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही बात है। जय हिंद।